चलो जिस दिन मैं बन गया उस दिन जितने मेरे दोस्त हैं सबको बना जाऊंगा। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद। चलो शुरू करो जल्दी जल्दी। और मैंने ये जूता ले लिया, फिर मैंने जब मैं उसकी दुकान से बाहर निकल रहा था फिर मैंने ये वाला जूता देख लिया और फिर मैं दोनों जूते ले आया। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज आप देख रहे हो हमारे क्यू एन ए पार्ट टू का बिहाइंड द सीन वाला व्लॉग। एक क्यू एन ए वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं जब हमारे 2000 सब्सक्राइबर हुए थे। ये वीडियो हम 3000 सब्सक्राइबर के लिए बना रहे हैं। तो आज आप हमारी जो क्यू एन ए वीडियो आप देख चुके हो पिछले संडे, वो उसका आज बिहाइंड द सीन वाला व्लॉग देख रहे हो। और अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं 3 तरह के पुशअप मारूंगा, मतलब 3 तरह के मैं मारता ही हूँ हमेशा। आप लोग देखना कि किस किस टाइप के पुशअप्स होते हैं। और अभी हमारे पास जिम जाने के लिए पैसे नहीं है, सो अभी हम घर पे एक्सरसाइज करते हैं। जैसी भी बॉडी बन रही है बना रहे हैं, बस आप सब अपना सपोर्ट रखना। और अभी चलते हैं एक्सरसाइज करने और मिलते हैं आगे। बाय। गाइस फाइनली एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और एक्सरसाइज करके मज़े आ गए हैं। आज मैंने 230 पुशअप मारे और 100 सेटअप्स मारे, मतलब मैं रोज़ 230 पुशअप मारता ही मारता हूँ और 50 सेटअप मारता हूँ, लेकिन मैंने आज 50 सेटअप एक्स्ट्रा मार दिए अपनी कैपेबिलिटी को और एक्सटेंड करने के लिए। और मज़े आ गए हैं। मतलब मेरे संग एक सीन है कि अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मैंने लास्ट जब मैंने जिम करी थी, वो लास्ट जब तभी था जब मैंने घर छोड़ा था 21 फरवरी के टाइम पे, 21 या 19-20 फरवरी को मैंने लास्ट जिम करी थी, तो तभी की मैंने जिम करी थी। उसके बाद मैंने अभी अप्रैल में 7-8 दिन पहले एक्सरसाइज करने दोबारा स्टार्ट करा है और अब तबीयत बहुत ठीक है। आप देख ही सकते हो, मतलब लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कितनी तबीयत ख़राब थी मेरी, और अब काफ़ी तबीयत ठीक है। और बस अब चलते केले लेने। केले भी मैंने बहुत टाइम से नहीं खाए, मेरे जो गले में खांसी हो गई थी उसके चक्कर में मैं केले भी नहीं खा सकता था। अब केले लेने चलते हैं और फिर क्यू एन ए की जो आप BTS देख रहे हो, बिहाइंड द सीन देख रहे हो, इसको आगे बढ़ाते हैं। सो मिलते हैं आगे। बाय। गाइस अभी केले लेके वापस चलते हैं नहाने, और नहाने के बाद फिर करेंगे अपने क्यू एन ए के शूट की तैयारी और मिलते हैं आगे। सो गाइस फाइनली नहा धो के तैयार हो चुके हैं और इधर अपना क्वेश्चंस वगैरह सारे मैंने अपने लैपटॉप में डाल लिए हैं। ये देखो, ये क्वेश्चंस आ गए हैं सारे अपने लाइन से। और अब यहाँ पे एक चीज़ और हो चुकी है हमारे संग, वो है हमारी जो रीसेंट वीडियो है माई फर्स्ट सैलरी वाली वीडियो पर कॉपीराइट लग चुका है। अब इस कॉपीराइट को हटाना पड़ेगा पहले, मतलब सारे क्रेडिट वगैरह देने के बाद भी कॉपीराइट लग जाता है, इस कॉपीराइट को हटाना पड़ेगा। क्या करें, किस्मत में जब ऐसी चीज़ें लिखी हैं तो होने ही ये सब। अब इस कॉपीराइट को हटाते हैं और फिर अपना शूट स्टार्ट करेंगे क्यू एन ए का, और बहुत मज़े आने वाले हैं। मिलते हैं आगे, वीडियो में लगे रहना। और जिस किसी ने भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इंस्टाग्राम पर ही पूछे गए, तो जिस किसी ने भी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। और अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर संडे नया ब्लॉग डालता हूँ, सो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आगे। सो गाइस अब आ चुका है शूट स्टार्ट करने का टाइम, और इधर अपनी रिंग लाइट आ चुकी है, सामने प्रियांशु और हर्ष, इधर अपना पूरा कैमरा सेटअप करा गया पूरी जुगाड़ के संग, इधर रिंग लाइट लग चुकी है, लैपटॉप, हमारी चेयर, शाही कुर्सी और पूरा बेड उधर शिफ्ट कर दिया हमने। और अब स्टार्ट करने वाले हैं पूरा अपना क्यू एन ए का शूट। और मैंने पता है आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी तक, जो मतलब सवाल के जवाब दूंगा वो एकदम सामने दूंगा, पहली बार में ही दूंगा। सो अब स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आगे। सबको सही है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो गाइस फाइनली हमारे 3000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हमारा
फाइनली Q&A बन रहा है और आई होप सो आपको Q&A देख के मजे आएंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं विक्टू शर्मा का, जो 3000 सब्सक्राइबर के लिए जितना वेट कराया था मैंने, इतना वेट मैंने 1000 सब्सक्राइबर के लिए भी नहीं करा था, 2000 सब्सक्राइबर के लिए नहीं करा था। 3000 सब्सक्राइबर में सबसे ज़्यादा मेहनत लगी और जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा है उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रियांशु भाई आपको कैसा लग रहा है शूट करके? इतनी खुशी हो रही है भाई, जैसे कि ये फिल्म शूटिंग करते हैं हम, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है मुझे। अच्छा तो ये शूट कितनी देर में ख़त्म होगा आपका, पैकअप कब होगा इसका? ये शूट सर 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, फिर पैकअप के बाद अब बॉलीवुड से ऑफर आया करेंगे मुझे। अच्छा तो तुम भैया के मैनेजर हो हैं? जी भाई। चलो ठीक, मुझसे कॉन्टेक्ट करें मुझे। चलो चलो ठीक है ठीक है, चलो चलो। तो गाइस प्रियांशु को देखो कैसे धूप में तौलिया ओढ़ के शूटिंग कर रहा है और यहाँ पे रिंग लाइट लगी हुई है और मैं भी बार बार तौलिया से पसीना पहुँच रहा हूँ, पर हमारे हर्ष भाई पूरे पसीना पसीना हो गए हैं यहाँ पे, ये पूरे बिहाइंड द सीन ले रहा है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे, सो मिलते हैं आगे। बाय। 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3। सो नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चन है, एक है ध्रुव का, अर्निंग शुरू हो गई और नहीं हुई तो कब तक हो जाएगी, और दूसरा क्वेश्चन है रोहित का, चैनल मोनेटाइजेशन का क्या सीन है, हुआ कि नहीं। सो यार अर्निंग का ये सीन है कि चैनल मेरा जो मोनेटाइज है वो शायद मैं अक्टूबर तक मोनेटाइज कर दूंगा। तो भैया आपको कैसी फीलिंग आ रही है शूट करके? शूट करके यार जैसे हर बार फीलिंग आती है। अच्छा आप नहीं बताओ क्यों वीडियो में फर्स्ट पेमेंट डाल दिया, हमें कब दोगे फर्स्ट पेमेंट? यार तुम्हें भी दे दूंगा थोड़ा बहुत पार्ट ले लेना। चलो ठीक है ठीक है, मदद कर दो। चलो जिस दिन मैं बन गया उस दिन जितने मेरे दोस्त हैं सबको बना दूंगा। चलो ठीक है भैया धन्यवाद, चलो शूट शुरू करो जल्दी जल्दी। सो गाइस दिस इज फॉर टुडे, आई होप सो आपको Q&A वीडियो पसंद आई होगी और थैंक्स सभी को जिसने क्वेश्चंस पूछे इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इतने प्यारे प्यारे सवाल पूछे, इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछे, आई होप सो आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। और जिस किसी ने भी अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करो चैनल सब्सक्राइब कर देना, अभी हमें 3000 से 10000 भी करने हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। और आप सबको शाउट आउट मेरी तरफ से जिसने क्वेश्चंस पूछे हैं और जो लोग कमेंट करेंगे उनके लिए भी थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। और गाइस फाइनली हमारा Q&A वीडियो ख़त्म हो चुका है, पसीना पसीना हो गया यहाँ पे देख रहे हो तौलिया, हाँ। और यहाँ पे अपने हर्ष भाई की हालत देखो, उधर प्रियांशु भाई ने पूरा पैकअप कर लिया है और हम भी अब काफ़ी थक चुके हैं और अब कुछ खाने चलेंगे, मिलते हैं आगे। और गर्मी बहुत हो चुकी है ऊपर इस टीम की वजह से, पूरे रूम में गर्मी हो चुकी है, सो आज हम कूलर भी ले आएंगे और एक मटका भी ले आएंगे छोटा सा ठंडे पानी के लिए, सो देखते हैं क्या करते हैं। सो ताली तो बजा दो भाई अपने लिए, ताली बजा दे भाई प्रियांशु भाई, ताली। सो मिलते हैं आगे, बाय। गाइस फाइनली अपना कूलर आ चुका है और इधर मैं अपने लिए शूज ले आया हूँ, एक ये ले आया हूँ वाइट में और एक ये ले आया हूँ, बस ये इत्तेफाक से आ गए, बाकी अपना ये आ गया कूलर। बाकी जूतों की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी एक्चुअली, मैं मटका भी लेके आया हूँ क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो मटके में पानी रखेंगे और मटके में इससे पानी पियेंगे ठंडा ठंडा, तो उसके लिए मटके वाला पेटीएम नहीं ले रहा था और मेरे पास सिर्फ पेटीएम था, तो मैं एक शूज़ की दुकान में गया और वहाँ से पेटीएम ले लिया मैंने, तो मुझे सबसे पहले ये वाला जूता पसंद आया और मैंने ये जूता ले लिया। फिर मैंने जब मैं उसकी दुकान से बाहर निकल रहा था फिर मैंने ये वाला जूता देख लिया और फिर मैं दोनों जूते ले आया। एक्चुअली मुझे जूतों से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और मैं बहुत टाइम से सिर्फ एक ही जोड़ी जूते पहन रहा था, वो थे ये वाले मेरे एडिडास के, और अब हमारे पास दो जोड़ी और हो गए। मतलब पहले क्या करता था मैं, हर महीने एक जोड़ी जूते लाता था, हर महीने एक जोड़ी जूते लाता था, मेरे घर वाले मुझसे परेशान थे जूतों के चक्कर में, लेकिन यार आप मेरे फेस पे एक्सप्रेशन देखो यार, कितनी खुशी हो रही है मुझे जूते ला के। और ये हमारा कूलर आ गया, अब कूलर को एक बार चला कर देखते हैं, और इसकी ना टंकी लीक हो रही थी यहाँ से, ये देखो
यहाँ से साइड साइड से आप देख रहे हो काला काला सा सीमेंट लगवाया है यहाँ पे, तो ये टंकी लीक हो रही थी, फिर इसकी टंकी को दोबारा लेके गए जहाँ से कूलर खरीदा, फिर उसने सीमेंट लगाया। और अब इसको एक बार चला के देखेंगे, थोड़ी देर में पानी डालेंगे, पानी दे रहा, लेकिन कूलर चला के देखते हैं, स्विच ऑन कर लेते हैं यहाँ से। उसमें लगता है कुछ तार वगैरह लग रहा है, बताइए उसे। तो गाइस अभी हमने कूलर को दोबारा सही कर दिया, अब चला के देखते हैं। अब सही आवाज़ आ रही है, पहले ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही थी। हमने इसको यहाँ से खोल के इसका जो पाइप था वो सही कर दिया और अब बिल्कुल सही चल रहा है। एक और बार चला के दिखाता हूँ, सो गाइस अब फाइनली अपना मटका भी आ गया है, हम इससे ठंडा ठंडा पानी पिया करेंगे गर्मियों में। वाओ, सो गाइस अभी ऑफिस से वापस आ चुके हैं घर, और आज मैं अपने ये वाले शूज़ ऑफिस पहन के गया था। मतलब इन शूज़ की यार कितनी तारीफ करूँ, मतलब लोग मुझे पूछ रहे थे ये शूज़ कितने के लिए कितने के लिए, और मैंने जब उनको इसका रियल प्राइस बताया तो वो लोग कह रहे सच में इतने के हैं, मतलब आप लोग खुद गैस करके बताना कि ये शूज़ कितने के होंगे। देखो ध्यान से देख लो, ठीक है, आप लोग खुद गैस करके बताना कि ये शूज़ कितने के होंगे। और मज़ा आ गया यार, पैसा वसूल हो गया मेरा, मतलब इतनी तारीफ सुन के ये सब। और बस इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप सो आपको क्यू एन ए का बिहाइंड द सीन देख के मज़ा आ गया होगा। और एक चीज़ और, इसके बॉक्स पे देखो, ये उस शूज़ का बॉक्स है और इस पर मेरा आधा नाम है HIM, हिम 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 4, बाकी HIMANSHU, मतलब अगर ये हिम 5 होता तो मेरा पूरा नाम हो जाता कि M की पावर 5, बाकी क्या बोले यार। सो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप सो आपको क्यू एन ए का बिहाइंड द सीन देख के मज़े आ गए होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।